श्री राधा वृंदेश जी के पाठोत्सव पर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा समिति संस्थान जालंधर के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा हर्षोल्लास के साथ 8वें पाठोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के पहले दिन भव्य शोभा यात्रा पूज्य महाराज और पूजनीय गुरु माता जी के परम सानिध्य में निकाली गई। इसी के साथ 3 दिवसीय उत्सव में संध्या के समय पूज्य महाराज द्वारा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र पर संक्षिप्त में बताया गया। उत्सव के तृतीय दिन पूज्य श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का आविर्भाव दिवस बहुत ही सुंदर रूप से मनाया गया। तदुपरांत पूज्य महाराज जी ने दीक्षा भी दी। संध्या के समय पूज्य महाराज ने कथा को श्री राधा रमन देव जी के प्राकट्य उत्सव एवं श्री हरिनाम के साथ विश्राम दिया। 3 दिवसीय उत्सव के उपरांत अटूट भंडारे की भी व्यवस्था की गई। मंदिर के कार्यकारिणी सदस्यों ने आए हुए सभी भक्तों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर प्रधान महेश गुप्ता, किरण अग्रवाल, उप प्रधान बॉबी खन्ना, महासचिव हरीश महेंद्रू, कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, दिनेश पुरी, रेणुका महेंद्रू, समृति शर्मा द्वारा कथा हेतु किए गए अथक परिश्रम हेतु बधाई दी गई। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। भैया आप महीना दो महीना में तो मर ही जाएंगे, पर हमको एक रिसर्च करनी है, उससे हो सकता है कि तुम्हारे प्राण अभी चले जाएं। दो महीने बाद भी तो मर नहीं है, पर अगर तुमने रिसर्च में सहयोग किया तो समाज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। पर ठीक है भाई, मर नहीं है तो तुम कर लो। तो उसे दिखाया, उसको बिठाया सामने और सामने दिखाया कि एक सांप ने एक घोड़े को डंक मारा और उसमें देखा कि घोड़ा कैसे तड़फा और कैसे उसके मुंह से झाग निकले, कैसे उसकी आंखें पथरा गई और थोड़ी देर में वो वहीं तड़प तड़प के मर गया। बोले हमें ये देखना है कि जब ये सर्प इंसान को काटता है तब उसके उसको कितना समय लगता है, कितनी देरी होती है, उसके हिसाब से हम इसकी दवाई बनाना चाहते हैं। उस दवाई का नाम वही रखेंगे जो तुम्हारा है। तो राजी हो गए। बोले बस एक बात है भैया, मुश्किल होगी तो हमारा एक शर्त है कि हम तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधेंगे और तुम्हें बिठाएंगे हाथ पर, अगर डर जाए आदमी तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान की लीला रूप गुण और लीला के संदर्भ में महाराज जी बताते हैं कि सदा सत्संग से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और भगवान की कथा और सत्संग सब निरंतर सुनना चाहिए और इससे बहुत लाभ होता है। सर वैष्णवाचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज द्वारा हमारे मंदिर चौदह बाईपास श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में 3 दिवसीय श्री गोपाल भट्ट महाराज की कथा का वर्णन किया जा रहा है। आज 3रा दिन है और निरंतर धारा प्रवाह कथा का आयोजन किया गया है जो कि महाराज जी ने मुखारविंद से की जा रही है। मैं अपनी ओर से, मंदिर कमेटी की ओर से और आए हुए सभी इलाका निवासियों की ओर से, क्योंकि जो इलाका निवासी है वही मंदिर की शोभा है और उनके आने से ही मंदिर की रौनक बढ़ती है। दूर दराज से और भी सभी लोग आए हैं, काफ़ी संगत आई हुई है। श्री राधा रमन जयती, श्री मनमाधव गणेश्वर वैश्वाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी द्वारा 3 दिवसीय कथा का यह आयोजन हुआ राधा वृंदेश जी के प्रांगण में। पहले शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, उसके बाद 3 दिवसीय साय 4 से 8 बजे तक कथा प्रवचन शुभाशीष, सब लोगों ने बहुत आनंद लिया और आज सुबह राधा वृंदेश जी का 8वां पाठोत्सव था जो महाराज श्री और गुरु माता जी ने अभिषेक किया और सारे हमारे गुरु भाई बहनों ने सबने उसमें अभिषेक में भाग लिया। ये हम सबों का बहुत ही सौभाग्य है कि हम इस गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं जिसमें हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बड़े महाराज श्री भूति कृष्ण गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि भी है, सब लोगों ने आज उनको नमन किया और बहुत ही आनंदित होकर भजनों के साथ झूमे भक्त लोग। मैं आए हुए सभी भक्तों का बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूँ जिन्होंने 3 दिवसों में बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर भाग लिया।